लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। IBPS क्लर्क प्री 2020 का मेमोरी बेस्ड पेपर करने वाले हैं। सारे शिफ्ट्स के पेपर का मैंने एक एक पैटर्न इसमें लिया है, जिससे कि आप हर तरह के शिफ्ट में जो जो क्वेश्चंस आए थे उनको हैंडल कर सके। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू करें। श्री गणेश करें, हाउ इज द जोश? आई होप एवरीवन इज एक्साइटेड फॉर दिस सेशन। तो सबसे पहले हम डायरेक्शंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला पैटर्न जो आपको मिला था IBPS क्लर्क प्री 2020 में देखने को, वो क्या था कि आपको चार पार्ट्स दे रखे हैं एक सेंटेंस के, मीनिंगफुल ऑर्डर में नहीं दे रखे हैं, जंबल्ड करके दिए हुए हैं। आपको उनको अरेंज करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। तो यू आर गिवन पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, चार अलग अलग पार्ट्स दिए हुए हैं, मीनिंगफुल ऑर्डर में वो पार्ट्स अरेंज नहीं है। आपको इन चारों को मैच करना है, इन चारों को अरेंज करना है जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं चाहती हूँ कि हर स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सबसे पहले ट्राई करें। चलिए, 30 सेकंड का टाइम है, ट्राई इट एंड टेल मी द आंसर। चलो, टाइम इज अप, टाइम ओवर हो चुका है। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन, क्या आंसर होगा। सबसे पहले मैंने इन चारों ऑप्शंस को देखा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पेयर्स बनाना। अगर मुझे पेयर बनाना आ गया ना, तो मैं 30 सेकंड में क्वेश्चन को भी 5 सेकंड में सॉल्व कर सकती हूँ। कैसे, ध्यान से समझना। मुझे यहाँ पे वर्ड मिला था हैज, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कुछ किया है, कोई एक्शन किया है। तो हैज के साथ जब किसी एक्शन की बात होती है, तो हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं वहां पे। आई होप सभी को पता है कि हैज और हैव और हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मुझे यहाँ पे दिख रही है एक्सक्यूडेड में। उन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है, इसका मतलब मुझे क्लियरली समझ में आ गया कि सी और बी एक पेयर है, सी और बी एक कॉम्बिनेशन है। चलो, अब मैंने आगे क्या किया, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैज एक्सूरेड कॉन्फिडेंस कि जो फाइनेंशियल ईयर है, द फाइनेंशियल ईयर इज लाइकली टू एंड विद अ बैलेंस ऑफ पेमेंट। फाइनेंशियल ईयर है, लग रहा है कि वो खत्म कैसे होगा, एक बैलेंस ऑफ पेमेंट से खत्म होगा। इसका मतलब बी का जो पेयर लग रहा है वो मुझे डी के साथ लग रहा है। अब ऑप्शंस देखो, जहां पे CBD लिखा हुआ हो, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन तीनों में नहीं है। अब क्या ए से स्टार्टिंग हो सकती है? अ बैज ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट एक्सूरेड कॉन्फिडेंस, नहीं। ए और बी तो पेयर नहीं हो, ए और सी तो पेयर नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी लिंक नहीं है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। आंसर क्या बचा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कॉन्फिडेंस शो किया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है ये खत्म होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस के साथ, मतलब हमारे पास अमाउंट आएगा, हमारे पास पैसा आएगा, और वो किसका एग्जांपल है, वो किसका सिंबल है, एज अ बैज ऑफ गुड इकोनॉमिक मैनेजमेंट, जो कि एक सिंबल है अच्छे इकोनॉमिक मैनेजमेंट का। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया कैसे किया एवरीवन? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ट्राई दिस क्वेश्चन। ये रहे 30 सेकंड्स आपके पास। चलिए, लेट्स सी क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर टू का। कितने बच्चों ने आंसर दिया? चलिए, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया। लेट्स सी, फॉइस्ट अ सिंगुलैरिटी एंड होमोजेनिटी, ये एक वर्ब है। सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट नहीं होता, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है तो वो वर्ब से स्टार्ट हो सकता है, अदरवाइज सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट नहीं होता। इसका मतलब ए वाले से स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मुझे क्लियरली दे रखा है किससे स्टार्ट होगा, इसका मतलब है कहने से डी से स्टार्ट होगा। चलो, सबको समझ में आ गया कि डी से स्टार्ट होगा। अब डी वाले सेंटेंस को पढ़ते हैं। डेंजरस इज अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, ये एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट डेंजरस है। कौन सा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट डेंजरस है? दैट
वो दैट, अब दैट के आगे फ्लूइडिटी तो नहीं आ सकता, दैट के आगे कोई वर्ब आएगी, वो प्रोजेक्ट जो कुछ करता है, कहने से डी का पेयर बी के साथ नहीं हो सकता, डी का पेयर बी के साथ नहीं हो सकता, दैट फ्लूइडिटी, दैट कोई एक्शन की बात करेंगे, इसका मतलब दैट के आगे कोई वर्ब आएगी, डी का पेयर बी के साथ नहीं हो सकता, तो कहने से ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गए, ये दोनों ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गए। मुझे ये दोनों चेक करने हैं, चेक करते हैं, चलो पहले सी वाला ऑप्शन चेक करते हैं। डेंजरस इज अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट, एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट डेंजरस है, दैट फॉइस्ट अ सिंगुलैरिटी, जो कि एक सिंगुलैरिटी को फॉइस्ट, फॉइस्ट का मीनिंग क्या, थोपना किसी के ऊपर, सिंगुलैरिटी को थोपता है, होमोजेनिटी को थोपता है किसी के ऊपर, किसी चीज को थोपता है कि आप एक ही चीज को मेंटेन करो, आप अलग अलग चीजों में मत जाओ, एक ही चीज को मेंटेन करो, ऐसी बात को थोपता है, एंड कॉल्स फॉर द, और किसके लिए बोलता है, ऑब्लिटरेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, फ्लूइडिटी नहीं होनी चाहिए, चीजें बहुत सारी एक साथ नहीं होनी चाहिए, जिससे कि हम या तो एक बन सके या कोई और बन सके, लेकिन मिक्सचर ना बने। तो ऐसा प्रोजेक्ट डेंजरस होता है जो हमें मिक्सचर बनने से रोकता है। बिल्कुल सही सीक्वेंस बन गया, आंसर क्या हो गया, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को, एक बार इस वाले को भी देख लो ये गलत क्यों है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी भी मुझे आंसर बताया था, ऑप्शन नंबर डी गलत क्यों है चेक करो। डेंजरस इज अ पॉलिटिकल प्रोजेक्ट दैट कॉल्स फॉर द ऑब्लिटरेशन ऑफ मल्टीप्लिसिटी, जो मल्टीप्लिसिटी को रोकता है, एंड फॉइस्ट अ सिंगुलैरिटी और होमोजेनिटी एंड फ्लूइडिटी, सिंगुलैरिटी और होमोजेनिटी एंड फ्लूइडिटी, क्या ये कोई सीक्वेंस बना, क्या ए और बी सीक्वेंस हो सकता है, दो को और से कनेक्ट कर रहे हैं, तीसरे वाले को एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं, अगर तीन चीजों को कनेक्ट कर रहे होते तो कॉमा लगाते, सिंगुलैरिटी कॉमा होमोजेनिटी एंड फ्लूइडिटी, अगर ये सीक्वेंस बनना होता तो इसका मतलब क्या हो गया, डी वाला आंसर नहीं हो सकता। देखो बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट आंसर निकालना नहीं होता, एज अ टीचर मेरे लिए जरूरी क्या है कि मैं आपको सही आंसर बताऊं, मैं ये भी बताऊं कि बाकी के ऑप्शंस गलत क्यों हैं, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई इट एवरीवन। चलिए लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ, इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या ये बात सभी को क्लियर है कि ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। हैड रीच्ड लिखा हुआ है, कोई सब्जेक्ट होगा, ही हैड रीच्ड, दे हैड रीच्ड, राम हैड रीच्ड, श्याम हैड रीच्ड, इसका मतलब ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, वी कैन नॉट स्टार्ट विद ए, इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ई एलिमिनेट हो गया। चलो अब बी और डी को देखते हैं, दोनों ही हैं तो एक बार चेक करते हैं। द जर्नलिस्ट तालिया लाविन ऑब्जर्व, उन्होंने ऑब्जर्व किया दैट द कल्चरल वॉर्स, जो कल्चरल वॉर्स हैं, क्या ये बात समझ में आ रही है, ये वॉर्स हैं तो यहाँ पे वॉर्स का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, डी और सी का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता, क्या ये बात सभी को क्लियर है, डी और सी का कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता डी और सी का कॉम्बिनेशन, ये वॉर्स लिखा हुआ है, वॉर्स एक प्लूरल वर्ड है तो उसके आगे वॉज नहीं उसके आगे वर आना चाहिए था, उसके आगे वॉज नहीं उसके आगे वर आना चाहिए था, येस और नो, ये बात समझ में आई नहीं आई, डी और सी का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, आपको इस पूरे को सॉल्व करना ही नहीं पड़ा, आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच गए, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, बी डी ए एन सी। कोई डाउट किसी बच्चे को, एनी स्टूडेंट, एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, बहुत जरूरी है मेमोरी बेस्ड पेपर करना, इनफैक्ट इन बच्चों का एसबीआई पीओ है, उनको भी बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, और ये रहा टाइमर सभी स्टूडेंट्स के लिए।
चले द टाइम इज अप, टाइम अप हो गया. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को देखते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है पवित्र सेन, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है और इसका प्रोनाउन लिखा हुआ है यहाँ पे. क्या मैं कह सकती हूँ कि नाउन जो है हमेशा अपने प्रोनाउन से पहले आता है? ये बात सभी को क्लियर है कि नाउन हमेशा अपने प्रोनाउन से पहले आता है. पहले नाम बताओगे राम, फिर बोलोगे ही. इसका मतलब है नाउन ऑलवेज प्रोसीड्स इट्स प्रोनाउन. इसका मतलब क्या है? सी हमेशा डी से पहले आएगा. क्या ये बात सभी को क्लियर है? क्या ये बात सभी को क्लियर है कि सी जो है हमेशा डी से पहले आएगा, सी डी के बाद नहीं आ सकता? क्यों? क्योंकि एक नाउन हमेशा अपने प्रोनाउन से पहले आता है. इस ऑप्शन, इसके बेसिस पे ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं. यहाँ पे सी डी के बाद है, यहाँ पे सी डी के बाद है, यहाँ पे सी डी के बाद है, यहाँ पे सी डी के बाद है. क्या मैं इसे विद इन 5 seconds अब आंसर तक पहुंच गए? आंसर क्या हो गया? What is the right answer? The right answer is option number A. मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स बता रही हूँ बच्चे. 20 मिनट में 30 क्वेश्चन करना अगर नॉर्मल मेथड से करोगे नहीं कर पाओगे. ऐसी ट्रिक्स ही यूज करके 20 मिनट में आप पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हो, 30 out of 30 लेके आ सकते हो. क्लियर है सभी को? मेमोरी बेस्ड पेपर करवा रही हूँ, यही क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आए थे. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. और ये रहा अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, एंड दिस इज द टाइमर फॉर यू. चलिए द टाइम इज अप, टाइम ओवर हो गया. इस क्वेश्चन को देखते हैं. लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन नाउ. हैरेसमेंट फेस्ड बाय जर्नलिस्ट आर डेमोक्रेसी एंड इज अ सीवियर रेपुटेशनल सेटबैक फॉर इंडिया. रेगुलर अरेस्ट, जेल विदाउट बेल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ अटैक अ वेरी बेसिक नोशन ऑफ फ्रीडम इन. चलो क्या ये बात क्लियर है? फ्रीडम इन लिखा हुआ है तो ये डी जो है आखिरी स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता, डी लास्ट स्टेटमेंट कभी नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता डी आखिरी स्टेटमेंट? क्योंकि प्रपोजिशन से एंड तो नहीं हो सकता. चलो डी आखिरी स्टेटमेंट नहीं हो सकता तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया. दिस ऑप्शन इज एलिमिनेटेड. चलो आगे देखते हैं, ट्राई करते हैं, एक एक करके ट्राई करते हैं. पहले ये चेक कर देते हैं कि ए पहला स्टेटमेंट होगा या सी. हैरेसमेंट फेस्ड बाय जर्नलिस्ट आर डेमोक्रेसी. हैरेसमेंट फेस्ड बाय जर्नलिस्ट और डेमोक्रेसी, क्या कोई ग्रामर बन रही है? हैरेसमेंट फेस्ड बाय जर्नलिस्ट और डेमोक्रेसी, बीच में दो नाउन है लेकिन उन दोनों नाउन के बीच में कोई कंजंक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्टर ही नहीं है. इसका मतलब ये वाला आंसर भी ए और बी, ये वाला आंसर भी नहीं हो सकता. ए और बी का कोई कनेक्ट नहीं है. ए और डी का कनेक्ट देख लेते हैं. हैरेसमेंट फेस्ड बाय जर्नलिस्ट अटैक, हैरेसमेंट फेस्ड बाय जर्नलिस्ट अटैक. हैरेसमेंट क्या कभी अटैक कर सकता है? हैरेसमेंट क्या कभी अटैक कर सकता है? हैरेसमेंट फेस्ड बाय जर्नलिस्ट अटैक, इसका मतलब क्या है? ए और डी का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. ए और डी का भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता. इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया. इसका मतलब क्या हो गया? सी स्टार्टिंग स्टेटमेंट होगा. अब सी को चेक करते हैं. रेगुलर अरेस्ट, जेल विदाउट बेल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ, जेल विदाउट बेल एंड अदर फॉर्म्स ऑफ हैरेसमेंट. बिना बेल के जेल करना और दूसरे फॉर्म्स ऑफ हैरेसमेंट, अदर फॉर्म्स ऑफ. सी का पेयर किसके साथ बन रहा है? अदर फॉर्म्स ऑफ हैरेसमेंट. कैन आई से सी एंड ए इज अ पेयर? सी और ए हमारा एक पेयर हो गया. सी और ए पेयर हो गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया.
तो व्हाट इज द फाइनल आंसर? फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. रेगुलर अरेस्ट जो होते हैं, बार बार जो हम अरेस्ट करते हैं लोगों को, बिना बेल के जेल दे देते हैं, और जो दूसरे फॉर्म ऑफ हैरेसमेंट हैं जो जर्नलिस्ट फेस करते हैं, ये रेगुलर अरेस्ट अटैक करते हैं. किस चीज़ को अटैक करते हैं? एक बहुत बेसिक आइडिया ऑफ फ्रीडम को इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के अंदर, और एक सेटबैक है रेप्यूटेशन का इंडिया के लिए. कोई दिक्कत? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. तो स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए. 350 बच्चे देख रहे हैं लेकिन लाइक्स केवल 172 हैं. तो आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू लाइक दिस वीडियो, तुरंत के तुरंत लाइक कर दो. चलो अब आ जाते हैं, ये वाले क्वेश्चन हमने कर लिए. एरो डिटेक्शन के क्वेश्चन के लिए तैयार है? रेडी फॉर द एरो डिटेक्शन क्वेश्चन? चलिए पहले तो मुझे अपना स्कोर बता दीजिए, आउट ऑफ 5 क्या क्या स्कोर रहा सभी का. अब करते हैं एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन. आपको एरर फाइंड आउट करनी है एंड दिस इज द टाइम ऑफ फॉर यू. चलो द टाइम इज अप. एक बच्चे का डाउट है, वो मैं डाउट हैंडल कर लेती हूँ. झूलन सरकार का डाउट है कि मैम ए और डी पेयर कैसे है. वन सेकेंड, ए और डी पेयर कैसे है? रेगुलर अरेस्ट कॉमा, ये पूरी की पूरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है. ये रेगुलर अरेस्ट अटैक करते हैं, मतलब सी. एक बच्चे का डाउट है, मैं हैंडल कर लेती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है. सी में कोई सब्जेक्ट है, उसके बाद कॉमा, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ए में. उसके बाद इस सब्जेक्ट की वर्ब क्या है? ये जो रेगुलर अरेस्ट है ये क्या करते हैं? अटैक करते हैं. तो ये वर्ब किसकी है? इस सी की है. क्या आप डाउट क्लियर हो गया बच्चे का? चलो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं. न्यूज एंड सोशल मीडिया कंपनीज जो हैं उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है. न्यूज और जितनी भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनकी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करें, वो इस बात को कंफर्म करें कि वो डायरेक्टली या फिर किसी और तरीके से जानबूझ के फैक्ट्स जो हैं सच्चाई को मिसरिप्रेजेंट ना करें. कहने से फैक्ट ऑडियंस को दिए जाते हैं. तो यहाँ पे प्रपोजिशन की एरर है. यहाँ पे किसकी एरर है बच्चे? प्रपोजिशन की एरर है. यू मिसरिप्रेजेंट द फैक्ट्स टू द ऑडियंस. आई टेल अ लॉट ऑफ थिंग्स टू माय स्टूडेंट्स. इन माय स्टूडेंट्स नहीं होता है, टू माय स्टूडेंट्स. दैट मींस विच पार्ट इज इनकरेक्ट, किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है, डी पार्ट इज रॉन्ग. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं एंड दिस इज द टाइमर फॉर यू. चलो क्या मिस्टेक है यहाँ पे? यहाँ पे मिस्टेक है एडवर्ब की. ये जो एडवर्ब होता है ना, ये हमेशा पंगा करता है. एडवर्ब हमेशा पंगा करता है, और यही मिस्टेक इस क्वेश्चन में भी है. ध्यान से देखिए, कोर्ट्स केवल बाउंड्रीज को डिफाइन कर सकते हैं. यूज़ और अब्यूज़ ऑफ पावर है कि पावर को यूज़ किया जा रहा है या उसको अब्यूज़ किया जा रहा है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. लेकिन ये पार्टीज़ के ऊपर है जो लॉज बनाती हैं कि वो ऑब्जर्व करें कि क्या लिमिट्स हैं इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की, इन सारी चीज़ों की, और वो दिखाएं कि उनके पास टाइम भी है और उनके पास इच्छा शक्ति भी है इन लॉज को इनैक्ट करने की. क्या गड़बड़ है? दे बोथ हैव द टाइम. नहीं, दे हैव बोथ द टाइम. अब यहाँ पे आपको वो वाला एग्जाम्पल याद आ गया होगा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर का. आई टू लव यू एंड आई लव यू टू. एडवर्ब
जिस वर्ड के पास होता है उस वर्ड को इलाबोरेट करता है, उस वर्ड को डिपिक्ट करता है, उस वर्ड को एक्सप्लेन करता है, राइट? तो ये दोनों चीज, टाइम भी है उनके पास और विल भी है, तो ये जो बोथ है ये इनके पहले आएगा, हैव के पहले नहीं आएगा. दैट मीन्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट? अगेन डी पार्ट इज इनकरेक्ट. डी पार्ट में एरर है. समझ में आया सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये रहा अगला सवाल एंड दिस इज द टाइमर फॉर यू. ओके, सो द टाइम इज अप. इस क्वेश्चन को देखते हैं. व्हेन माय स्पाउस, स्पाउस कौन होता है? हस्बैंड या वाइफ. अगर मैं वाइफ हूँ तो मेरा हस्बैंड मेरा स्पाउस हो गया. अगर आप कोई हस्बैंड है तो उसकी वाइफ उसका स्पाउस हो गई. तो व्हेन माय स्पाउस अप्लाइड फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट, हिज लिखा हुआ है मतलब हस्बैंड. जब मेरे हस्बैंड ने एम्प्लॉय अप्लाई किया था अपने ग्रीन कार्ड के लिए 2010 में, ऐसा अज्यूम किया गया था. कहने से सीक्वेंस ऑफ टेंसेस लगेगा. सीक्वेंस ऑफ टेंसेस क्या कहता है? सीक्वेंस ऑफ टेंसेस कहता है कि जब भी मेन क्लॉज पास्ट में हो, whenever the main clause is in past tense, subordinate clause is also in the past tense, वो भी past में ही होता है. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? It would take, लगभग 4 साल लगेंगे इस process को होने में. तो which part is incorrect? C part is incorrect. C part में गड़बड़ है. अगले question पे आते हैं. And the timer. It's a very logical question. Let's see how many of you give the right answer. Okay, so the time is up. इसमें किस question में, इस part में गड़बड़ है? What is mistake here? We truly value, हम value करते हैं सच में कि हमारे journalistic और दूसरे staff ने, journalist ने और staff ने कितना contribution किया है इतनी अच्छी brand बनाने में एक इतने कम time में. And thankful, हम value करते हैं, हम वैल्यू करते हैं, वर्ब है, तो हम थैंक करते हैं एंड थैंक देम आना चाहिए. हम वैल्यू करते हैं, पैरेललिज्म है बच्चे यहां पे. हम वैल्यू करते हैं, वर्ब है, तो हम थैंक करते हैं, या फिर आर थैंकफुल, या फिर हम थैंकफुल हैं. तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? किस पार्ट में एरर है? डी पार्ट में एरर है. एंड थैंक देम फॉर देयर हार्ड वर्क एंड ग्रेट एफर्ट. और हम उनको थैंक करते हैं उनके हार्डवर्क के लिए या फिर ग्रेट एफर्ट के लिए. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, एंड आर थैंकफुल टू देम, और हम उनके लिए थैंकफुल हैं. या तो आर थैंकफुल लगाओ, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना जरूरी है, तो या तो आर लगा दो या फिर थैंक कर दो इसको. बोथ द वेज आर करेक्ट. तो विच पार्ट इज इनकरेक्ट? डी पार्ट इज इनकरेक्ट. है ना? आई नो बहुत सारे बच्चे फंस गए इस क्वेश्चन में. समझ में आया कॉन्सेप्ट? नहीं, स्टाफ्स जैसा कोई शब्द नहीं होता है बच्चे, इस बात को ध्यान रखिए. स्टाफ अपने आप में प्लूरल है, इसीलिए स्टाफ्स जैसा कोई भी शब्द नहीं होता है. चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं. एरर डिटेक्शन का आखिरी सवाल, फिर आप लोग मुझे अपना स्कोर बताएंगे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में. टाइम इज ओवर. कर दिया ना वही काम जो पूरी दुनिया करती है. कौन सा काम कर दिया? पाक साफ सवाल में खूब सारी गलतियां निकाल दी आपने. जमाने भर ने गलतियां निकाल दी. जालिम जमाना, राइट?
क्या गलती थी इस बेचारे सवाल की कि आपने इतनी सारी गलतियां निकाल दी। कोचिंग इंडस्ट्री जो है इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्लेज अ पिवोटल रोल, इट्स अ प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूट करती है अच्छा खासा रेवेन्यू एजुकेशन सेक्टर में। कोई भी गलती नहीं है, हाँ बहुत बड़ा पाप आप लोगों ने कर दिया है, और आंसर है ऑप्शन नंबर ई, नो एरर, देयर इज नो एरर इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कोई भी एरर नहीं है। एड कॉन्ट्रीब्यूट्स, यू कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग, तो कॉन्ट्रीब्यूट के आगे टू सही है। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ फाइव, एरर डिटेक्शन में क्या क्या स्कोर रहे, सभी लोग बताएंगे अपना एरर डिटेक्शन में स्कोर। चलिए अब हम आ जाते हैं फ्रेज रिप्लेसमेंट की तरफ, तैयार हैं सभी लोग फ्रेज रिप्लेसमेंट के लिए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे फ्रेज रिप्लेसमेंट का ये रहा, चलिए टाइम इज अप, टाइम ओवर हो गया, क्या सही आंसर होगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर। दैट इज वन स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, ये एक छोटा सा स्टेप है मैन के लिए, अ मैसिवली लीप फॉर टॉडलर्स, लीप का मतलब है जंप, लीप जो है एक नाउन है, नाउन जिसके बारे में बताएगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, यहाँ पे तो एडवर्ब लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो गलत है। चलो चिल्ड्रंस जैसा कोई शब्द नहीं होता है, वहाँ पे बच्चों की बात हो रही थी, यहाँ पे ह्यूमंस की बात कर दी, मीनिंग ही चेंज कर दिया। छोटी जंप, यहाँ पे बड़ी जंप की बात हो रही थी, छोटी जंप की बात कर दी, मीनिंग ही चेंज कर दिया। तो आंसर क्या है, अ जायंट लीप फॉर टॉडलर्स, जायंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, बहुत बड़ी उछाल, बहुत बड़ी छलांग बच्चों के लिए, इंसान के लिए तो छोटी सी छलांग है लेकिन बच्चों के लिए वो बहुत बड़ी छलांग है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, एंड दिस इज द टाइम ऑफ फॉर यू। चलो टाइम इज अप, दे सजेस्टेड दिस मूवी टू वॉच इवन दो दे देमसेल्फ, देमसेल्फ जैसा तो कोई भी शब्द नहीं होता है, देयर इज नो वर्ड लाइक देमसेल्फ, शब्द क्या होता है, देमसेल्व्स होता है, शब्द क्या होता है, देमसेल्व्स होता है, तो दे को हिमसेल्फ कैसे कर सकते हो, इटसेल्फ कैसे कर सकते हो, देम और सेल्फ जैसा तो कोई शब्द ही नहीं होता है, तो विच आंसर इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इनफैक्ट इसका आंसर बी भी नहीं है, इसका आंसर जो है नन ऑफ दीज, इसमें छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैड आएगा, दे देमसेल्व्स हैड नेवर वॉच्ड इट, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ टेंसेस लगेगा, ये पास्ट है तो ये भी पास्ट में ही होगा, हाँ तो इसमें एक छोटी सी मिस्टेक क्या है, यहाँ पे हैव नहीं, यहाँ पे हैड भी आएगा, हैड विल ऑल्सो कम ओवर हियर। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, और ये रहा टाइमर, ओके सो टाइम इज अप, सिटिंग नहीं साइटिंग, साइटिंग का मीनिंग होता है किसी को एग्जाम्पल देना, तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी रीजंस का एग्जाम्पल देते हुए क्वेश्चंस को मना कर दिया, साइटिंग आएगा ऑप्शन नंबर बी। सिटिंग तो नहीं, ऑब्लाइजिंग का तो मतलब होता है जरूरी कर देना, कोई सेंस नहीं, साइटेड नहीं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन बी वन प्लस आई एन जी से देते हैं,
तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. अगला सवाल फ्रेज रिप्लेसमेंट का एंड द टाइमर. चल द टाइम इज अप. इट हैज लेड टू अ सिचुएशन. इसने एक सिचुएशन की तरफ एक सिचुएशन ला दी है जहां पे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं बिना किसी प्रोटेक्शन के. कोई एरर ही नहीं है, कोई एरर ही नहीं है तो ऑप्शंस क्यों देखेंगे. आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड. किसी भी रिप्लेसमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इट इज नॉट रॉन्ग. ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है. इट हैज लेड बिल्कुल सही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. इनको देखेंगे ही नहीं, वी विल नॉट सी इट सी देम. आंसर इज ऑप्शन नंबर ई. जब एरर होता है तब देखते हैं. फ्रेज रिप्लेसमेंट में ये बात हमेशा याद रखना, जब गलत होगा तभी ऑप्शंस को देखोगे. ये गलत नहीं है तो ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है. चलो फंस गए इस वाले क्वेश्चन में भी. अब आ जाते हैं क्लोज टेस्ट पे. तैयार हैं क्लोज टेस्ट के लिए सभी लोग? एवरीवन रेडी फॉर द क्लोज टेस्ट? क्लोज टेस्ट का मेथड क्या होता है? क्लोज टेस्ट में सबसे पहले हम उस पूरे पैसेज को स्किम करते हैं. वी स्किम द एंटायर पैसेज, राइट? चलिए स्किम कीजिए और मुझे बताइए इस पूरे पैसेज को पढ़ के किस बारे में बात हो रही है. रीड द एंटायर पैसेज एंड टेल मी व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ. हम किसकी बात कर रहे हैं? बिल्कुल सही बोला, हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कब आए, किस वजह से आए, पहला गाना कब गाया गया, पहले इंस्ट्रूमेंट कब आए, उस सब की बात कर रहे हैं. तो दिस पैसेज इज टेलिंग अस अबाउट हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. ये जो पैसेज है ये हमें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री के बारे में बता रहा है. एंड द टोन इज नीदर क्रिटिकल नॉर अप्रिशिएटिव. ना ही ऑथर तारीफ कर रहा है, ना ही कोई बुराई कर रहा है. ऑथर हमें नॉर्मली इंफॉर्मेशन दे रहा है. टोन क्या है? टोन इज इंफॉर्मेटिव. अब क्या करेंगे? अब हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे. मैं आपको 30-30 सेकेंड दूंगी हर क्वेश्चन के लिए. चलो इसका आंसर बताइए. अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स, कुछ रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रैंडमली आए. किस पर डिपेंडेंट थे? अवेलेबल मटेरियल. जो मटेरियल मिला उसी से लोगों ने गाना बजाना शुरू कर दिया. क्या आएगा? डिपेंडिंग. और किसी ऑप्शन में कोई सेंस ही नहीं. एक्यूमुलेटिंग का मीनिंग होता है इकट्ठा होना, चेंज होना, कैलकुलेट करना, मर्ज हो जाना, मिल जाना. कोई सेंस नहीं है. अगला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बनाया गया या फिर जिसको अपने नॉर्मल फंक्शनिंग में ले लिया गया, अडाप्ट कर लिया गया. क्या आएगा? अडाप्टेड टू मेक म्यूजिकल साउंड्स. और किस सेक्शन का कोई सेंस ही नहीं. फैलाया गया, रूल्स रेगुलेशंस में चेंज होते हैं उसको बोलते हैं अमेंड करना, रियलाइज करना, किसी बात को फील करना, अफेक्ट करना. कोई सेंस नहीं है. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. वेरी गुड. अगला क्वेश्चन.
इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट द हिस्ट्री ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कब की है, उसकी डेट कब की है. बिल्कुल सही बोला, डेट्स बैक टू द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन कल्चर. कब से आए, जब ह्यूमन कल्चर आया तब से वो आई, डेट्स बैक. वेरी गुड बॉस आए बच्चों का, ठीक हुआ. अगला क्वेश्चन, टाइम के साथ कल्चर्स ने क्या किया, अलग अलग तरह के गाने आए, क्या हुआ, क्या बोलते हैं गानों को, सॉन्ग्स को, पोएम्स को, व्हाट डू वी से, कॉम्पोजिशन. कॉम्पोजिशन आ गए, सॉन्ग्स आना शुरू हो गए, म्यूजिक आना शुरू हो गया. बिल्कुल सही, कॉम्पोजिशन. कंपोजर का तो मीनिंग होता है शांत रहना का एटीट्यूड. कंपोस्ट होता है ऑर्गेनिक मटेरियल का जो वेस्ट होता है ना, उसको बोलते हैं कंपोस्ट. आर्टिकुलेशन स्पीच देने को बोलते हैं. डेडिकेशन तो आप सभी को पता ही है. आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे, साइंटिस्ट हु हैव बीन इंटरेस्टेड इन द डैश ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. साइंटिस्ट किस चीज में इंटरेस्टेड होंगे, सही बोला, फिजिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स. फिजिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, कि इंस्ट्रूमेंट्स बनते कैसे हैं, बनाया कैसे जाता है, कौन से इंस्ट्रूमेंट से कैसी आवाज निकाली जा सकती है. आर्टिफैक्ट का तो मीनिंग होता है पीसेस. कैटलॉग का मीनिंग होता है ब्रोशर. सेरेनिटी मीन्स कामनेस, सुकूनता. रिजिडिटी मीन्स इनफ्लेक्सिबिलिटी, चेंज ना होने की प्रॉपर्टी. साइंटिस्ट तो भाई फिजिक्स में इंटरेस्टेड होंगे, हिंट दी वहां पे साइंटिस्ट. आखिरी सवाल इस क्लोज टेस्ट का, फिर आप लोग मुझे इस क्लोज टेस्ट में अपना स्कोर बताएंगे. ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक में कहानियां डालना कभी भी आउट ऑफ क्या नहीं होगा, विल ऐसा लग नहीं रहा कि वो कभी भी किसके बाहर नहीं जाएगा आउट ऑफ. ये तो बहुत सुना होगा, मैं मम्मी नई ड्रेस दिला दो, क्योंकि जो पिछली बार भैया की शादी पे ड्रेस खरीदी थी वो क्या हो गई है, वो आउट ऑफ. बिल्कुल सही बोला, फैशन. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, आउट ऑफ फैशन. स्कोर्स एवरीवन इन दिस क्लोज टेस्ट, क्या क्या स्कोर रहा सभी का, एक बार मुझे जल्दी से स्कोर बता दीजिए. अगले पैटर्न पे आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न नाउ. आपको एक सेंटेंस दे रखा है, वर्ड्स बोल्ड में दे रखे हैं, आपको इनका सही सीक्वेंस बताना है कि ये जो वर्ड्स बोल्ड में दे रखे हैं इनका सही सीक्वेंस क्या होगा, किस सीक्वेंस में सेंटेंस में. वर्ड स्वैप का नया पैटर्न है, एक्चुअल वर्ड स्वैप नहीं, वर्ड स्वैप में हल्का सा चेंज है, आपको सही सीक्वेंस बताना है उन वर्ड्स का. चलो नहीं, इनफैक्ट वर्ड स्वैप ही है, आपको बताना है कौन कौन से वर्ड्स किस किस की जगह आएंगे. अच्छा टाइमर तो मैं आपको देना भूल ही गई, चलो अगले क्वेश्चन में दे दूंगी. आंसर बताओ पहले इस वाले का. विदाउट नेमिंग एनी कंट्री, बिना किसी कंट्री का नाम देते हुए टेड्रोस ने ऐसा बोला कि कुछ कंट्रीज ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया एक जैसा, किसके, ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस जो हुआ, और कुछ लोगों पर फर्क ही नहीं पड़ा. इसका मतलब ए को बी से चेंज करोगे, सी को डी से चेंज करोगे. आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी. That means you will change A with B and C with B. आप इन दोनों को आपस में स्वैप करोगे. चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इसमें मैं आप लोगों को टाइमर दे देती हूँ.
चलिए टाइम इज अप, टाइम हो गया, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ही कॉल्ड फॉर, उन्होंने किसके लिए बोला कि वैक्सीन्स में इन्वेस्ट करो, अगला पैंडेमिक ना आए पहले से ही इसकी तैयारी कर लो और प्रमोट हेल्थ करो एज द कैन आई से फ्यूचर ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, क्योंकि जो फ्यूचर है इसका, जस्ट वन सेकेंड, एज द मल्टीलेटरलिज्म ऑफ फ्यूचर, इसमें कुछ तो गड़बड़ है, कोई और आएगा, फ्यूचर आ सकता है या फाउंडेशन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एंड प्रोस्पेरिटी एंड डैश टू सेफ गार्ड आर कॉमन, हमारा कॉमन फ्यूचर होगा, इसका मतलब यहां पे तो फ्यूचर आएगा, इसका मतलब बी को डी से चेंज करना पड़ेगा और यहां पे क्या आएगा, फाउंडेशन आएगा, इसका मतलब ए को सी से चेंज करना पड़ेगा, एज द फाउंडेशन ऑफ मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म की जो फाउंडेशन है और जो प्रोस्पेरिटी की फाउंडेशन है और जो क्या है, प्रोस्पेरिटी एंड पीस की जो फॉर्म, प्रोस्पेरिटी एंड पीस, इसका मतलब यहाँ पे पीस आएगा जिससे कि हम अपने फ्यूचर को प्रोटेक्ट कर सकें। तो किन किन को चेंज किया हमने, मल्टीलेटरलिज्म को तो हमने फाउंडेशन से चेंज किया, मतलब ए को हमने सी से चेंज किया, फ्यूचर को हमने पीस से चेंज किया, बी को हमने डी से चेंज किया, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी एज द फाउंड, तो इसका फाइनल आंसर क्या बना, एज द फाउंडेशन, जस्ट वन सेकेंड, कुछ तो गड़बड़ करी है हमने इसमें, एज द फाउंडेशन ऑफ पीस, पीस का जो फाउंडेशन है एंड प्रोस्पेरिटी का, एंड फाउंडेशन को चेंज किया मल्टीलेटरलिज्म से, एंड मल्टीलेटरलिज्म टू सेफ गार्ड आर कॉमन फ्यूचर, और यहां पे क्या आया, फ्यूचर, हाँ अब सही है, आंसर इज ऑप, हाँ वो मुझे पता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ए को सी से चेंज करोगे, बी को डी से चेंज करोगे, मतलब फ्यूचर और पीस को चेंज करोगे और मल्टीलेटरलिज्म और फाउंडेशन को चेंज करोगे, कोई दिक्कत आप लोग का, बस चले तो मेरा बर्थडे आप लोग रोज मना लो, हर दिन कम से कम मेरे पास 10 से 15 मैसेज आते हैं मैम हैप्पी बर्थडे, और मैं उनको बस रिप्लाई कर देती हूँ थैंक यू। चलो अगला क्वेश्चन, मल्टीलेटरलिज्म का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, अलग अलग चीज़ों को लेना है एक साथ, उसको बोलते हैं मल्टीलेटरलिज्म। आखिरी सवाल इस पैटर्न का, हाई स्किल्ड इमिग्रेंट वर्कर्स को आप हायर करोगे उनके बर्थ के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे तो हम हायरिंग नहीं कर सकते ना किसी की, बर्थ के बेसिस पे तो हम हायरिंग नहीं कर सकते ना, इसका मतलब बर्थ को तो चेंज करना ही पड़ेगा, उनके एप्टीट्यूड के बेसिस पे हम उनको हायर करेंगे और मेरिट के बेसिस पे हायर करेंगे, जबकि ग्रीन कार्ड्स किसके बेसिस पे दिए जाते हैं, बर्थ के बेसिस पे, कि आपका आप कहाँ पैदा हुए हो उसके बेसिस पे आपको ग्रीन कार्ड या सिटीजनशिप मिलती है। तो किसको चेंज करोगे, ए को डी से चेंज करोगे, दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यू विल चेंज ए विद डी। स्कोर्स एवरीवन आउट ऑफ 23, टोटल स्कोर बता दीजिए सभी लोग। अब इसके बाद आते हैं हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे दूँ, ये पूरा का पूरा आरसी आपको सॉल्व करना है, इसका पीडीएफ अलॉन्ग विद द आंसर्स, आंसर्स के साथ इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद निमिषा बंसल पे शेयर कर दूंगी, ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और अपने आंसर्स को चेक कीजिएगा। दिख रहा है सभी को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 6 सवालों का पूरा आरसी है। चलो तो आज का सेशन एंड करते हैं, अब हम मिलेंगे कितने बजे, नाउ वी विल मीट एट 1:30 PM, सभी को पता है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास के लिए हम मिलने वाले हैं 1:30 बजे, एरर डिटेक्शन की क्लास, फ्री क्लास है, हर बच्चे को अटेंड करनी है, जितने भी बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जिनको ग्रामर में दिक्कत है, ग्रामर को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ओवरऑल इंग्लिश को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, उनको 1:30 बजे वाली क्लास में डेफिनेटली आना है। करना क्या होगा इस क्लास में आने के लिए, निमिषा बंसल सर्च करना, निमिषा बंसल में प्रोफाइल में जाके आपको मेरी क्लास मिल जाएगी, स्पेशल क्लासेस में क्लास मिल जाएगी।
अगर नहीं मिल रही वहां से तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंग्लिश विद निमिषा बंसल। कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है, कोई परेशानी है मैम, परफेक्शन बैच नहीं पता कहाँ होता है कैसे होता है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप हमसे पूछ सकते हैं। परफेक्शन बैच बहुत ज़रूरी है, एक एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9953592800।